और मोहतरमा ने प्रपोजल ले तो लिया पर ना ही स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। अब फिर से बीटेक फर्स्ट ईयर वाली हालत हो गई है लौंडे की, लिस्ट में नाम आ चुका है मतलब प्रपोजल चला गया है, पर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाली का इंतजार करें या दूसरी वाली की तैयारी करें। और चलो यहां पे दोनों वकील डेट मांग रहे हैं, पक्ष वाला भी विपक्ष वाला भी। अच्छा रीजन भी है इसका, एक तो है सरकारी वकील भाई, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, चाहे जजमेंट आए, चाहे बीटेक के फेवर में आए, चाहे डिप्लोमा के फेवर में आए, चाहे आए ही नहीं। फिर सोचा चलो एक गलती हो गई, अरमानों वाली गलती दूसरी थी, अब तीसरी गलती नहीं करूंगा, अब भाई तैयारी करूंगा। और तैयारी में आया तो पता चला भाई बहुत कंपटीशन है, दो चार साल और तैयारी करनी पड़ेगी। और लवंडे का दो साल तैयारी वाला, दो साल तैयारी के बाद दो साल सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन वाला, दो साल सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन के बाद दो साल कोर्ट केस के तैयारी वाला, मतलब लौंडा 6 से 8 साल पीछे हो चुका है। बीटेक नहीं करने गया होता, जो इसके साथ वाले बीटेक नहीं किए थे, बीए किए थे, शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए। पर वकील साहब एक बात बता दें, बीटेक वाले भाई लौंडे इतना फालतू किताब पढ़ रखे हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, आपके ये बार काउंसिल वाला चोचला नहीं होता ना, तो लौंडे दो चार और फालतू किताब पढ़ के अपनी केस खुद लड़ लेते। जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि अगर मेरे कहे हुए शब्द आपको चुभते हैं तो इसके लिए माफी चाहूंगा। जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है पर दिल मेरा बहुत साफ है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगे। और साथ में ही मैं ये भी बताते चलता हूं कि हमारे केस का रेफरेंस क्या है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान के MBSI केस का, कोर्ट केस चल रहा है, आपको पता भी होगा, आप लोग पूछते भी रहते हो। मैं सोचा भाई कि ठीक है विमोशन जो भी भरा पड़ा है निकाल ही देता हूं, आज मैटर को खत्म ही करते हैं भाई, ओपिनियन पूछते रहते हो, सब बक डालते हैं। मतलब इस कोर्ट केस ने ऐसा लंपट हाल कर रखा है बीटेक वालों का कि समझ नहीं आता। जैसे बीटेक वाले फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना, जब एडमिशन लेने, बड़े अरमान होते हैं उनके कि भाई एडमिशन लेंगे, पढ़ाई करेंगे, बढ़िया नौकरी आएगी, खूब नाम करेंगे, और साथ में एक कॉर्नर में छोटा सा अरमान और रहता है कि अगर कोई पसंद आ जाएगा तो उसको प्रपोज भी कर देंगे, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी बीटेक निकलते निकलते। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद सारे चीजों को वो पीछे बैकफुट पे रखता है, जो छोटा सा अरमान था इसको आगे करके पहले ही किसी को प्रपोजल दे देता है। और मोहतरमा ने प्रपोजल ले तो लिया पर ना ही स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। इस इंतजार में लौंडे का बीटेक खत्म हो जाता है, सिंगल गया था डिग्री लेने बहुत सारे अरमान के साथ, और केवल डिग्री लेके बाहर आ रहा है, सारे अरमान टूट चुके हैं, मोहतरमा वाले भी, नौकरी वाले भी, नाम वाले भी। फिर उसको समझ में आ गया कि साला एक अरमान गलत पाल लिया था मैंने, अब सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, बस पढ़ाई करूंगा, दूसरा कुछ भी नहीं। पर कंपटीशन इतना ज्यादा है, तैयारी करते करते 2-3 साल लग गए। फिर इसके बाद बड़े मुश्किल से किसी एक लिस्ट में नाम आया, पता चला कि भैया इस पे तो केस हो रखा है। अब फिर से बीटेक फर्स्ट ईयर वाली हालत हो गई है लौंडे की, लिस्ट में नाम आ चुका है मतलब प्रपोजल चला गया है, पर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाली का इंतजार करें या दूसरी वाली की तैयारी करें, मतलब यहां भी लटक गया है लौंडा। आप कहोगे भैया आप इतना बवाल बता रहे हो, 1 साल से ही तो केस चल रहा है, मतलब यार कोर्ट में एक साल इतनी बड़ी टाइम होती है क्या? 10-10 साल 20-20 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं जस्टिस का, आप कह रहे हो 1 साल हो गया बहुत लंबी केस, भाई ऐसी केस नहीं है ये जिसमें सालों लगने चाहिए। और मैं ऐसी इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो केस होती है ना उसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार भाई। क्राइम केस थोड़ो नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करना है फिर देखना है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक किया कि नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में करप्शन हुआ क्या, किसी ने पैसे खिलाए क्या, किसी ने सबूत से छेड़छाड़ किया क्या, किसी ने अपने फायदे में कुछ किया क्या, गलत गवाह पेश हुआ क्या, सही गवाह लाओ, गवाह का कैसे परीक्षण करें, मतलब ये सब बकैती थोड़ो नहीं करनी है इस केस में भाई। एक वो एक्सपर्ट कमेटी बनानी थी, वो बन गई, उसने अपना ओपिनियन दे दिया, तो कुछ ओपिनियन है और कुछ लिखा गया डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं दोनों बेसिस पे जजमेंट देना है। पर नहीं, ऐसे लंपट केस बना रखा है भाई, बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, और डेट पे होता क्या है, अगली डेट दी जाती है, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए बस आपको एक ही चीज मिलेगा कि दोनों वकीलों के डिमांड पे केस आगे बढ़ा दिया गया है, नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। और चलो यहां पे दोनों वकील डेट मांग रहे हैं, पक्ष वाला भी विपक्ष वाला भी। अच्छा रीजन भी है इसका, एक तो है सरकारी वकील भाई, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, चाहे जजमेंट आए, चाहे बीटेक के फेवर में आए, चाहे डिप्लोमा के फेवर में आए, चाहे आए ही नहीं, वो तो ऐसे केस के हैबिचुअल हैं, केस आती रहती हैं, उनको तो चलता रहता है भाई, जैसे सरकार चल रही है वैसे सरकारी वकील चल रहे हैं। दूसरे भाई साहब हैं प्राइवेट वाले, उनका तो टारगेट ही यही है कि केस जितना लंबा चले बढ़िया है, और उन्होंने तो यही कह के मतलब यही सांत्वना दे के केस भी लिया होगा कि देखो बेटा
तुम ही केस जीतोगे, जितना भी तुम्हारे ये दिए गए सबूत हैं, जितनी भी बातें तुम कह रहे हो सारे सही हैं, कुछ मैं अपने तरफ से जोड़ दूंगा, पक्का तुम ही जीतोगे, जीतने के बाद इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा, सब लोग मिलकर इकट्ठा कर लो, या तो ये डील हुआ होगा या तो ये हुआ है, देखो बेटा हर हियरिंग का मैं इतना पैसा लूंगा। तो वो भाई साहब तो अपनी हियरिंग बढ़वा रहे होंगे कि चलो भाई इस बार नहीं, हम कुछ चीजें ला नहीं पाए, पता नहीं कौन सी चीज ला के लगा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है आज तक कि इतनी सारी हियरिंग हो चुकी है पर जजमेंट ही नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली उसकी डेट थी 30 नवंबर को, ऐसा था हो जाएगा कुछ, फिर 30 नवंबर बढ़ा के एक दिसंबर कर दिया गया, अच्छा लगा कि चलो भाई जल्दी हो रहा है कुछ हो ही जाएगा, फिर अब बढ़ा के जनवरी 4 कर दिया यार, और दोनों कह रहे हैं, दोनों वकील कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष वाले कि अगली डेट दे दो। अब भाई देखो, एक को तो मैंने पहले ही कहा वो सरकारी वाला, उसको तो कुछ करना नहीं है, सेकेंड वाला अपना फी बढ़ा रहा है, लटके पड़े हैं लौंडे, इनकी जिंदगी डिले हो रही भाई, मतलब बीटेक वाले लौंडों पे इतनी जिम्मेदारी होती है। अब तुम आप सोच के देखो कि एक लौंडा को अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो बेचारा 12th के बाद 2 साल घिसता है, तब जाके उसको कहीं अच्छी अच्छा कॉलेज मिलता है, वहां पे उससे एक गलती हुई कि कोई अच्छी ब्रांच लेनी चाहिए थी ढंग की, कंप्यूटर साइंस जैसी, जाके कंप्यूटर पे बैठ के लॉग इन करके करोड़ों कमा रहे हैं आजकल, करोड़ों नहीं तो लाखों तो कमा ही रहे, पर वहां पे गलती से उसने मैकेनिकल ले लिया, फिर सोचा चलो एक गलती हो गई, अरमानों वाली गलती दूसरी थी, अब तीसरी गलती नहीं करूंगा, अब भाई तैयारी करूंगा, और तैयारी में आया तो पता चला भाई बहुत कंपटीशन है, 2-4 साल और तैयारी करनी पड़ेगी, 2-4 साल तैयारी किया पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि एक बार गलती कर चुका था, इस बार नहीं करना था उसको, और सिलेक्शन भी ले लिया लौंडे ने। पर भाई और ही कुछ होने वाला है तो क्या ही कर सकते हो, फिर केस हो गया, और केस के बारे में हम लोग कहते हैं भाई, हम ही लोग कहते हैं, हमारे ही बुक्स में लिखा गया, हम लोग ही पढ़ते रहते हैं भाई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर बस कहने के लिए भाई होता रहा डिले, भाई क्या ही फर्क पड़ता है, चल रही है केसेस, और लवंडे का 2 साल तैयारी वाला, 2 साल तैयारी के बाद 2 साल सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन वाला, 2 साल सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन के बाद 2 साल कोर्ट केस के तैयारी वाला, मतलब लौंडा 6 से 8 साल डिले पीछे हो चुका है। बीटेक नहीं करने गया होता, जो इसके साथ वाले बीटेक नहीं किए थे, बीए किए थे, शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, लौंडा सोचा था कि नौकरी लग जाएगी, शादी करूंगा, टाइम से शादी करूंगा, और भी बहुत सारे काम है, बच्चे भी करने हैं उसको, फिर बच्चों की भी शादी करनी है, उसके शादी में डांस करने का भी अरमान है, बहुत सारे अरमान तो पहले ही टूट चुके हैं, अब बेचारा 60 का हो जाएगा तो शादी करेगा बच्चे का, उसमें डांस करेगा, कमर टूट जाएगी, पर ऐसा लग रहा है ये अरमान भी टूट रहे हैं कोर्ट केस के चक्कर में, लोग लटके पड़े हैं 2 साल 4 साल 6 साल, चलो इसकी तो हम बात कर रहे हैं 1 साल से लटकी पड़ी है, पर ऐसे बहुत सारे एजुकेशन केसेज हैं जो 6-6, 8-8 साल से लटके पड़े हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनका रिक्रूटमेंट 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से लटका पड़ा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी UPRI की वैकेंसी, इसमें भी कमेंट आएगा कि सर हमारा बता दो कुछ, हमारा क्या हुआ, हमारे वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा लौंडों का, मतलब रिजल्ट ही भाई रिजल्ट नहीं दे रहे, कुछ अपडेट तो दे दो, लौंडे इंतजार कर रहे हैं, पता तो चलो उनको आगे करना क्या है, या तुम आगे कुछ करने वाले हो नहीं करने वाले हो तो बता दो, पर वो भी नहीं बताते हैं, बेचारे कमेंट करके खुश हो लेते हैं, कोई YouTube वीडियो आ गई उनसे रिलेटेड तो लिख देते हैं, अच्छा बता दो आपको कोई आइडिया तो, अबे भैया हमको कहां से आइडिया रहेगा, उनको खुद को आइडिया नहीं है कि रिजल्ट निकालना है कि नहीं निकालना है, वो खुद ही मजे में है, वो मजे में है, आप भी मजे में हो, आप भी बस कमेंट करके आपको लगता है बस भैया हमारा काम पूरा हो गया है। भाई एक बात समझ लो आप, मतलब गांव में कहावत की कही जाती है ना कि जो बच्चा रोता नहीं है ना माँ उसको भी दूध नहीं पिलाती है, उसको भी सुला देती है, कहती बहुत प्यारा बच्चा है भाई, एकदम नहीं रोता है, जब उठाओ तब खाता है, जो बोलो वो करता है, बहुत प्यारा बच्चा है, मतलब उसको मिलता है केवल सांत्वना, और रोने वाले को मिलता है उसका हक जो वो मांगता है, तो आप भी थोड़ा रोना सीखो यार। कुछ लोग कहेंगे मैं भड़का रहा हूँ, भाई हाँ लिटरली भड़का रहा हूँ, जाओ कुछ करो तब मतलब कान पे जू आता है सरकार को, और सरकारी सिस्टम पे बोर्ड वाले भी सो रहे हैं, सरकार भी सो रही है, जज साहब भी सो रहे हैं, वकील साहब भी सो रहे हैं, वकील साहब जो जगे हुए हैं वो तारीख पे तारीख मांग रहे हैं कि अगली तारीख दे दो, थोड़ा फी और मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका, तो बढ़िया है भाई, पर हियरिंग मल्टीप्लाई फी, उनकी तो बजट बढ़ रही है, वो तो अपना जॉब कर रहे हैं, चल रहा है उनका तो धंधा, पर वकील साहब एक बात बता दें, बीटेक वाले भाई लौंडे इतना फालतू किताब पढ़ रखे हैं ना, मैं सही बता रहा हूं, आपके ये बार काउंसिल वाला चोचला नहीं होता ना तो लौंडे 2-4 और फालतू किताब पढ़ के अपनी केस खुद लड़ लेते, आपकी जो फी के वजह से ना लौंडे लटके पड़े हैं कब से, मतलब ऐसा बना रखा है यार बेचारा, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे आ पा रहा है, वो भी बंद हो जाता, मतलब सारे सुब्रमण्यम स्वामी बन जाते कि भाई हम अपना केस खुद ही लड़ेंगे, वकील को समझा रहे होते बेटा तू ये जाके बोलना, ये मत बोल देना।
मतलब बड़ा सिंपल है भैया, आप भी कुछ करो, लटके मत रहो, वो लटकाए पड़े हैं, आप लटके पड़े हो। पिछली बार न्यूज आई थी ना, राजस्थान में कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, तो पता चला था कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक आध बार और जाओ, मिलाओ, प्रोटेस्ट करो चाहे ना करो, पर 10 20 का 50 का ग्रुप बना के मिलाओ, ताकि उनके कान पे कुछ जेन रहे, सरकार सिस्टम कुछ याद आए कि भाई इस टाइप की वैकेंसी है, लौंडे इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा निकाला जाए। और कोर्ट केस वो जो वकील साहब लोग हैं वो भी थोड़ा आगे बढ़ाएं यार, और डेट पे डेट कब तक मांगेगा, और डेट मांग के करेंगे क्या, करते नहीं है कुछ। मतलब एक डेट मांगते हैं, उस पे जाते हैं, फिर दूसरी डेट मांगते हैं, बस डेट मांगने के लिए जाना आना लगा रखा है और केस को लटका रखा है इतना टाइम से, तो कब का जजमेंट आ जाना चाहिए था। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि ऐसे लटकाने की जरूरत है, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, लटके पड़े हैं, वो लटकाए पड़े हैं, आप लटके पड़े हो, कुछ कर लोगे तो शायद कम लटकना पड़े, नहीं तो बस भाई इंतजार करने वालों को तो बस वही मिलता है जो देने वाला देना चाहता है, मांगने वालों को उसका हिस्सा मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है भैया कि आपको अपना हिस्सा चाहिए या फिर देने वालों की भीख, डिसाइड कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।